नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज आप लोगों को मैं धूप में तो अपना रिजल्ट दिखा ही रहा हूँ और दिखाऊंगा भी आगे, लेकिन आज बेसिकली ब्लॉगिंग होने वाला है। तो जो लोग जो है ब्लॉग से इरिटेट होते हैं या बोर होते हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज़ अभी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आगे का पूरा वीडियो जो ब्लॉग है। और आप में से जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, बाइक राइडिंग पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, वो लोग इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि वीडियो देखो ही मत आगे, है ना। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज एक्चुअल में हम एक बहुत बड़े जैन मंदिर जाने वाले हैं, यू नो कुंडलपुर। कुंडलपुर आप लोग जानते होंगे, एमपी में बहुत ही यू नो बड़ा तीर्थ स्थल है जैन लोगों के लिए। एक्चुअली ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द यू नो सबसे बड़ा जैन मंदिर होने वाला है, ये बन रहा है। वो बहुत पीसफुल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा जो देश है अनेकताओं में एकता है, उसमें से एक धर्म है जैन धर्म, जो कि बहुत ही अहिंसावादी धर्म है। ठीक है, तो उस मंदिर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और आज के वीडियो में हमारा हेल्प करेंगे हमारे, तो ये हमारे मित्र हैं, ये हमारी वीडियो में हेल्प करेंगे। जरा मोबाइल पकड़ो। अभी अभी करने क्या वाला हूँ मैं, एक्चुअल में जो है अपना सर में हेलमेट पहनने वाला हूँ, थोड़ा हेलमेट पहनने वाला हूँ। तो बाल आपको पहले मैं दिखा दूँ, ये है अपना रिजल्ट, देख लो, क्योंकि बाद में बोलोगे छुपा दिया है। ये है पूरी धूप में, अभी थोड़ा छाया हो गया धूप में रिजल्ट, तो ऐसा ही रिजल्ट है भाई, जैसा भी आप देख लो। हेलमेट पहनने से पहले मैं ये पहन लेता हूँ ताकि मेरे बाल जो हैं खराब ना हो। रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया, तो शक यू नो डाउट मत करना कि मैं रिजल्ट छुपा रहा हूँ। भाई थे हमारे सोमनाथ, उन्होंने गिफ्ट की थी उस घड़ी में, जो 12:15 हो रहे हैं। दोस्तों काफी लंबा सफर जो हमें तय कर चुके हैं, 20-22 किलोमीटर और बचा हुआ है कुंडलपुर। लेकिन सिचुएशन ये है कि प्यास बहुत तेज लगी हुई है, पानी लेकर आए नहीं थे, सिर्फ बोतल लेकर आए थे, बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई थी। हैंडपंप का ताजा पानी पीएंगे, मीठा पानी रहता है, पर ये जो हैंडपंप का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, देखते ही पूछते हैं अगर हैंडपंप कभी मिल जाए तो। ये प्याज बहुत तेज लग रही है, भाई साहब वहाँ के हैंडपम्प रहेगा क्या? हैंडपम्प तो हाँ भैया, अच्छी मीठे पानी का। चलो भाई आगे है, कह रहे हैं देखते हैं।
दर्द रही है भैया हैंडपम्प पे। जी हाँ जी हाँ जी, पीता है पानी वाले फेंको पानी। चलो हटो जल्दी, कैमरा है ये क्या है फिर? कैमरा है जी, कैमरा है। अरे बाप रे, चलो पानी। दोस्तों आप लोगों को दूर दिख रहा है पहाड़ों के ऊपर। तो दोस्तों ये रहा वो भव्य जैन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित है। एक छोटे से गांव के आसपास ये भव्य मंदिर जो कि देश विदेशों तक मशहूर हो चुका है। ऐसा माना जाता है इसकी नींव सन 2000 के आसपास रखी गई थी और अभी 2019 चल रहा है। 19 साल पूरे होने के बावजूद भी ये मंदिर अभी भी जो इसकी मंजिल है उसको प्राप्त नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि ये अभी पूरी तरीके से ये मंदिर जो है बना नहीं है। यहाँ के कारीगरों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि अभी भी 10-15 साल लग सकते हैं इस मंदिर को पूरा बनने में। बड़े बड़े मशीनों की आवाजों के बीच में पत्थरों को तोड़ते हुए ये कारीगरों के तोड़ों के आवाज के बीच में भी इतनी शांति है यहाँ पे, एक अद्भुत शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ। इन कारीगरों को अगर आप गौर से देखें तो ये पत्थरों में जान भरने का काम कर रहे हैं। दिखने में तो क्रूरता है, हथौड़ी और छेनी की मदद से इन पत्थरों को जो है तराशा जा रहा है, लेकिन जब अंतिम परिणाम आता है हम सब उसको देखकर अचंभित हो जाते हैं। अभी भी कई पत्थर ऐसे हैं जिनको तराशना बाकी है। भैया ये कितना बड़ा बनना है अभी, और ये कितना और बड़ा बनना है? ये अभी इसका दुगना होना है क्या? इसका दुगना थोड़ा उससे कम होगा, 179 मीटर, 189 फुट में जाएगा ना। अभी कितना साल और लग जाएगा इसको? साल लग जाएंगे 10 साल। अरे बाप रे बाप, मतलब ये क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है क्या? मंदिर बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ से हो आप लोग? राजस्थान। राजस्थानी कारीगर हैं? ठीक ठीक। मैदान में आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। इनको तराश कर इनमें जान भर कर ये मंदिर आगे जाकर इतिहास रचने वाला है पूरे देश विदेश में। दूर वो बैठा गर इन पत्थरों में जान भरने का कार्य कर रहा है, वही दूसरी तरफ एक छोटी सी छावनी बनाकर एक बड़े से पत्थर को तराशने का कार्य एक दूसरा कारीगर कर रहा है। आइए जानते हैं उनसे कुछ उनके बारे में। कहाँ के हो आप लोग? राजस्थान से हो? अभी ये कितना टाइम और लग जाएगा इस मंदिर को पूरा बनने में?
10-12 साल और। अच्छा ये पत्थर कहाँ से आते हैं? पंजी बालपुर। कहाँ? पंजी बालपुर। ये कहाँ पे? राजस्थान में। पूरे राजस्थान का ही है? रुबास्ता सिटी का। अच्छा तो ये आपकी मजदूरी कैसे डे के हिसाब से रहती है? हर दिन कितना मिलता है आपको? 550 रुपये पर डे मिलता है। अच्छा रहना खाना? हमारा ही। आपका खुद का ही घर है? अच्छा इसकी फंडिंग पूरे दुनिया से हो रही होगी? डोनेशन हर पूरी दुनिया से आता होगा? जहाँ जहाँ लोग हैं, NRI लोग हैं, पूरी लोग हैं ना, जो काम जानता है उसको है। नहीं ये बोला जी, पैसा जो है ये आ रहा होगा पूरे दुनिया में दान कर रहे होंगे लोग डोनेशन में, है ना? कल बहुत थी, बहुत भीड़ थी। कल बहुत भीड़ थी, कल इतनी भीड़ थी 20 बस तो यहीं पर खड़ी मंदिर पर। कितने? 20 बस। अच्छा वहाँ नीचे पूरी पार्किंग में गाड़ी गाड़ी सीढ़ियों को उतरने की जगह नहीं है। गुरु पूर्णिमा था क्या उसके चक्कर में? कहाँ, उसके चक्कर में बहुत भीड़ थी। सही है, है? जरूरी है लॉन्ग राइड में तरह रहना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है वापस जा रहे हैं, और कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये जरूर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और इस तरह की वीडियो और भी चाहिए हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इस तरह की वीडियो और चाहिए। MP में जो अच्छी अच्छी जगह है वो आपको मैं घुमाऊंगा, ठीक है, मोटो ब्लॉगिंग के जरिए। और मोटो ब्लॉगिंग मेरी कैसी लगती है, अच्छी लगती नहीं लगती, ये सारी चीज़ें मुझे लिख कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सही लगती है तो इसी चैनल पर कंटिन्यू करूँगा, और अगर सही नहीं लगती है तो दूसरे चैनल पर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग मुझे बहुत फेवरेट है। मुझे किसी भी प्रकार का नशा नहीं है, मुझे सिर्फ बाइक राइडिंग का नशा है। मेरा अगर 10 चैनल टाइम रहे ना तो मैं पूरी दुनिया बाइक से घूम। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर 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 रखिएगा।